दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको जानना है कि अगले महीने कौन से 15 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, हो सकते हैं, कल का वीडियो बनाने जाके जरूर देखिए एंड आपके क्वेश्चन के आंसर मैंने कल सुबह वाले वीडियो में दिए हुए, जाके उसको भी देखिए। अब आते हैं ऑफर वाली वीडियो पे, ठीक है, फिर से चालू करते हैं। आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डे सेल जो है उनका, एंड कल लास्ट डेट होगा 31 तारीख, आज 30 है, कल 31 है, कल लास्ट डेट होगा, तो कल तक आपके पास चांस है। आपका बजट अगर 18,000 के आसपास का है, ठीक है, आपको एक OIS के कैमरे वाला POLED पैनल के साथ 120Hz के एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 13 5G बैंड्स आते हों, देन इसके साथ साथ यही नहीं क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड होता हो, तो आप इस वाले ऑफर को देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला के G82 की। ये स्मार्टफोन लॉन्च तो 22-23 हज़ार भी हुआ था, जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, लेकिन इस सेल में आप इसे सिर्फ 18,000 के आसपास की प्राइस पे खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कोटक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब ऑफर क्या है कि ये स्मार्टफोन आ गया है 19,000, मतलब अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो भी 19,000 में आप इसको ले सकते हो इस सेल में कल तक, लेकिन अगर आपके पास कोटक का क्रेडिट कार्ड है तो इसके ऊपर 750 रुपये का और ऑफर है, तो 18,250 का मिल जाएगा, यानी 18,000 के आसपास का समझ लो ऑफर है, एंड काफी तगड़ा उस प्राइस के हिसाब से। क्या चीजें मिलती हैं इसमें? इसमें आपको 6.6 इंच का पंच होल के साथ OLED POLED का पैनल है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, एंड देखने में भी अच्छा लगता है, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, देखने में काफी अच्छा लगता है, प्रीमियम स्मार्टफोन का लुक देता है, अच्छा स्मार्टफोन है। डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से आपको डिस्प्ले काफी पसंद आएगा इसका, देख सकते हो। इसके बाद चिपसेट की बात करो तो इसमें स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट आता है, 5G चिपसेट है, उस प्राइस के हिसाब से सही है 18,000 के हिसाब से, जबकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 13 5G बैंड्स मिलते हैं, काफी सारे हैं, मतलब सारे 5G बैंड्स कवर कर लेता है, कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे। एड्रीनो 619 गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गेम सारे खेल पाओगे, अच्छे खासे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। स्कोर की बात करोगे तो ये करीब करीब 3-3.5 लाख के आसपास जाता है, तो परफॉर्मेंस सही है, वहाँ पे इश्यूज नहीं है, कभी कभी तो 4 लाख भी जाता है किसी किसी स्मार्टफोन में। एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, अब 13 का भी अपडेट आ गया है, स्टॉक एंड्रॉइड है, क्लीन एकदम, MIUX के साथ आता है, तो आपको ज़्यादा ब्लोटवेयर्स नहीं रहेंगे, तो परफॉर्मेंस का सेगमेंट सच में काफ़ी सही है। कैमरा की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 50+8+2 का, जिसमें 50 मेगापिक्सल के साथ आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, 1080 कर पाओगे, 4K नहीं कर पाओगे, लेकिन बुके पैनोरमा HDR सारी चीज़ें कर लोगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, सेल्फी कैमरा मुझे पसंद है, रियर वाला डिसेंट है उस प्राइस के हिसाब से, देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। 5000mAh की बैटरी है, 30W का चार्जर बॉक्स में आता है, डिसेंट फास्ट चार्जर है, आराम से समझ लो कि 5000mAh की बैटरी को 45 मिनट्स के आसपास में फुल चार्ज करके आपको दे देगा, वो अभी सही है। सेंसर्स की बात करते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm जैक, एक्सलोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जीरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंड इसके अलावा जितने भी आपको सेंसर्स चाहिए वो सारे मिल जाते हैं स्टीरियो स्पीकर्स के साथ, तो सेंसर्स में भी कोई इशू नहीं है। देन इसके बाद स्लॉट की बात करते हैं, तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट है, ठीक है, यानी 2 सिम कार्ड लगा हुआ, फिर एक सिम कार्ड, एक SD कार्ड, 6GB 128GB स्टोरेज की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो, एक्सपांडेबल है बट समझ लो कि हाइब्रिड है। चलो, बेस वेरिएंट 6GB 128GB जो 22-23 हज़ार पे लॉन्च हुआ था, अब इसकी प्राइस 19,000 डायरेक्ट कर दी गई है कल तक के लिए, और अगर आपके पास कोटक का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो इसके पास 750 रुपये का ऑफ है, तो आपको ये स्मार्टफोन 18,250 तक मिल जाएगा, तो 18,000 के आसपास अगर आप कोई स्मार्टफोन देख रहे हो, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, कल तक का ऑफर है, इसके बाद ये वाला ऑफर मेरे ख्याल से आएगा फिर होली के टाइम पे। चलिए, कैसी लगी डील आपको जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना फिर पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोज उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर में, इसको पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कहना चाहते हो, तो दोस्तों जय हिंद।